आज क्या होने वाला है सर, वो बताइए पहले। आज ओशिवारा पुलिस आदिल को रिमांड पे लेके आएगी और वो पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे एज यूजुअल, और हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या कुछ उम्मीद है आपको, मतलब क्या होगा? उम्मीद तो जैसे पहले थी, क्योंकि एक्चुअल एस्पेक्ट जो था मेरिट जो था केस का, वो हिसाब से मजिस्ट्रेट ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राइटली उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, ये जानते हुए उसकी कस्टडी इंटरोगेशन की कोई जरूरत नहीं, पुलिस कस्टडी की कोई जरूरत नहीं, उसको जुडिशियल कस्टडी में। अभी सेशंस कोर्ट ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया है उसकी कस्टडी वार्ता जेल से लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिलीज किया है। अब पुलिस कस्टडी ग्रांट होती है या जुडिशियल कस्टडी ग्रांट होती है तो उनको कोर्ट में देखना पड़ेगा, फिलहाल हम जुडिशियल कस्टडी की फिर से मांग। आप क्या मांग करने वाले? हम तो जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे, और ये भी मांग करेंगे कि हमारा जो बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऑर्डर जो रिजर्व रखा गया है बेल एप्लीकेशन को, उस पर ऑर्डर पास किया। कल डिंडोसी कोर्ट में देखा आपके चेहरे पर स्माइल था, कुछ मतलब कुछ जीत गए वो तो अलग अलग रीज़न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि सेशंस कोर्ट में टेक्निकली अगर बोलेंगे और लॉ पॉइंट के हिसाब से भी बोलेंगे, लीगल प्रोविजंस के हिसाब से भी बोलेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऑर्डर हमारे फेवर में आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्डर पास हो गया। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, वो पैसे का क्या मैटर है, पैसे का जो है? पैसे का मसला तो ये है कि फिलहाल हमारे क्लाइंट के पेरेंट्स को फ़ोन कर करके धमकी दी जा रही है और पैसे की मांग की जा रही है। तो कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हम आप लोगों के सामने जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एंटायर कॉन्स्पिरेसी ही पैसे के लिए की गई। जो कर्नाटका पुलिस में FIR लॉन्च हुई है उसके पीछे गैंग काम कर रहा है, एक रैकेट काम कर रहा है, मी टू गैंग काम कर रहा है, जो एक्सटॉर्शन के जरिए ऐसे केसेस फॉल्स केसेस करके लोगों को एक्सटॉर्ट करता है, उसकी उसका सबूत भी मैं आप लोगों के सामने जल्दी रखूँगा। हमने छोटे मोटे रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम की बात कर रहे हैं राखी जी। ऑब्वियसली छोटे मोटे रकम की बात होगी नहीं ना, इसी वजह से तो एक के बाद एक FIR उसके पे किए जा रहे हैं, ताकि उसके माँ बाप गो डाउन करें और उनको एक्सटॉर्शन मनी दें। जैसा कि आपने कितनी गाड़ी आदिल खरीदा है उनके पैसे लेके? भाई वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, हमने अकाउंट डिटेल पूरी दी हुई है, पहले ही दिन दे दिया था। अब वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, कितनी गाड़ियाँ खरीदी, किसका पैसा साइफन किया, किसका पैसा लिया, किसका किसको दिया, कंप्लेनेंट को कितना पैसा दिया, क्या क्या लिया दिया, वो सब तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सारी डिटेल्स हमने पहले ही दी हुई है पुलिस को। और सबसे बड़ी बात ये कि 10 दिन हो गया है, पुलिस कर क्या रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पहले दिन जहाँ पर पुलिस थी आज भी वहीं पर खड़ी है, बस नए नए एलिगेशन लग रहा है मीडिया में, मीडिया ट्रायल चल रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। और पैसे को लेके बातचीत हुई है, काफ़ी बड़े एलिगेशन भी लगे हैं उनके ऊपर। देखिए पैसे का तो उन्होंने FIR में ही बता दिया था, अमाउंट भी बता दिया था कि इतने का फ्रॉड हुआ है, लेकिन फ्रॉड ऑन ग्राउंड कहाँ हुआ है वो तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है ना। उसके लिए तो हमने अपना अकाउंट वगैरह और जो भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स हमने पुलिस को दे दी थी। यहाँ पे मैटर ये नहीं है कि हमने कितना चीट किया, क्योंकि चीटिंग हुआ ही नहीं, चीटिंग तो हमारे साथ हुआ है। अब मसला ये है कि यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमको एक्सटॉर्शन कॉल कितनी आ रही है पैसे के लिए, पैसा दीजिए और मैटर सेटल। आदिल की तरफ से क्या कुछ बयान है? आदिल तो जुडिशियल कस्टडी में, उसकी तरफ से क्या बयान है? नहीं जैसे आप मिले होंगे ना, आपको कुछ बोला होगा? नहीं, मैं जेल में नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। अभी आज प्रोड्यूस करेंगे उसको, फिलहाल मैं उसके पेरेंट्स से संपर्क करूंगा। यानी मैंने होगी आपके तरफ से, आपके एंड से क्या कुछ आप? हमारी तरफ से मैं सारे फैक्ट्स रखूंगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस हुआ है वो मैं कोर्ट के सामने रखूंगा। किस तरह के फैक्ट्स हैं अभी नहीं, वो हमारा एक अपना कोर्ट के सामने रिवील करेंगे, जैसा बताएंगे आप। वही तो टेक्निकल प्रॉब्लम वही थी, ये अक्यूज जुडिशियल कस्टडी में था, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन वाले आए और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैसूर पुलिस आई हुई है उसकी कस्टडी ले लें, और बेल की अपील होगी आज, सुनिए तो सही। उन्होंने ये बोला कि मैसूर पुलिस आई हुई है और वो प्रोडक्शन वारंट पे आई हुई है, ट्रांसफ़र वारंट लेके आई हुई है, कोर्ट ने पास कर दिया, मॉर्निंग सेशन में ही मैसूर पुलिस यहाँ पर आ गई। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मैं कोर्ट के मैसूर कोर्ट से मैं एविडेंस ले आके प्रोड्यूस करूँगा कि ऑर्डर मॉर्निंग में पास ही नहीं हुआ था, मैसूर पुलिस पहले आ गई थी, ऑर्डर आफ्टरनून सेशन में पास हुआ था, और उनके एडवोकेट ने रिवीजन एप्लीकेशन में सेशंस कोर्ट के सामने ये बयान देते हैं कि नहीं नहीं सर, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं पास हुआ। सो ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना, वो सारी चीज़ें मैं कोर्ट के सामने रखूँगा। आपके तरफ से बेल की अपील
बेल देखिए, बेल पे हियरिंग हो चुकी है। अभी टेक्निकल इशू ये है कि जब तक रिमांड पे फैसला नहीं आ जाता है, एप्लीकेशन वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। तो फिलहाल वो समझ लीजिए कि अभी वो पेंडिंग है, वो तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक जुडिशियल ऑनरेबल कोर्ट जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर नहीं देगा। और कोशिश करेंगे हमको आज ही जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हो और आज ही हमारे बेल एप्लीकेशन। हाँ जी, थैंक यू।